अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा अलवी है। अलवी स्किल्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, मुझसे ना बेशुमार लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमजा भाई, हमारे पेज के ऊपर LOC आ गया है। ठीक है, LOC क्या होता है? लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट। की अगर आप, जाहिर है हम मोनेटाइजेशन के लिए काम करते हैं तो हम लोगों का ही कॉन्टेंट उठा के अपने पेज के ऊपर डालते हैं, तो अक्सर जो है वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी कॉन्टेंट की वजह से हमारे पेज के ऊपर LOC का एरर आ जाता है। फेसबुक की जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है ना, वो ब्रेक हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पेज के ऊपर LOC आ गया तो आपने उसको रिमूव किस तरीके से करना है। उससे पहले जो है आपने चंद बातों का ख्याल रखना है, जो मैं आपसे बातें करने लगा हूं उनको जरा आपने गौर से सुनना है। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर ना बेशुमार स्कैम हो रहे हैं। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को उनसे बचाना। अगर आपको कोई बंदा, दुनिया का कोई भी बंदा ये बात कहता है कि हम आपके पेज की LOC जो है वो एक दिन के अंदर रिमूव कर देते हैं, एक घंटे के अंदर रिमूव कर देते हैं, तो मेरी जान, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपके पेज के ऊपर LOC आ जाता है, आपको कहीं भी नहीं गए, तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं LOC रिमूव करने में। जो तरीका मैं आपको आज बताऊंगा, उससे आप 3 से 4 दिन आपको LOC रिमूव करने में लग जाएंगे। अगर कोई भी बंदा आपको कहता है कि मैं 15 मिनट में कर दूंगा, मुझे अपने पेज की एसएस दे दें, ठीक है, मुझे एनीटेक्स के थ्रू जो है वो एसएस दे दें, तो ये सब फ्रॉड है। आपने किसी की बात में नहीं जाना। और आपने अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो आपको दुनिया में किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जेन्युइन मेथड में आप लोगों को बताने लगा हूं। इंशाल्लाह 99% जो है आपकी LOC 5 दिन के अंदर चली जाएगी, ज्यादातर 3 दिन के अंदर चली जाती है। और ये सर्विसेज जो है ना, हम भी लोगों को दे रहे हैं। देखिए, एक क्लाइंट ही है जिसका पेज मेरे पास आया, उसके पास भी ये एरर आ रहा है, तो इंशाल्लाह 3 दिन लगा के इसकी LOC हम रिमूव करेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके पेज के ऊपर LOC आना। LOC का सामना आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जो है आपको LOC का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपके पेज पे LOC है या नहीं है, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपके पेज पे LOC आनी ही आनी है। क्योंकि हमने फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए काम ही ऐसे कंटेंट के ऊपर करना होता है कि जो रीयूज कंटेंट होता है। LOC आने के और भी काफी वजूहत होती है, जैसे कि आपने पे आउट का गलत इस्तेमाल कर लिया है, आप कोई गलत शेयरिंग कर लेते हैं, आप कोई स्पैम IDs इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनकी वजह से भी आपको LOC आ जाती है। तो दोस्तों, अब बात शुरू करते हैं कि आपने इसको रिमूव कैसे करना है। तो जो चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ना, आपने इन चीजों को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका LOC चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मैं अपना ये नोट पैड ओपन कर लेता हूं। नोट पैड में जो मैं अपना पहला पॉइंट है ना, वो लिख लेता हूं कि जो आपका पेज है ना, उसकी आपने जो कैटेगरी है उसको आपने गेमिंग पे लेकर आना है। ठीक है, आपने, आपके जो पेज होगा, अगर वो मूवीज का आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं या न्यूज कर रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई भी दुनिया का आपका पेज की कैटेगरी है, उसको आपने जो पहला पॉइंट है ना, आपने उसको गेमिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने उसको गेमिंग में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। देखें, ये पेजेस है, इन पे LOC आई हुई है। तो यहां से सबसे पहले मैं अपने क्रिएटर स्टूडियो में, अपने फेसबुक पेज पे चला जाता हूं, जिसकी मैंने जो है वो कैटेगरी चेंज करनी है। जी तो दोस्तों, देखें मेरे पास ये पेज आ गया। इसकी कैटेगरी चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं इसके अबाउट में जाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने अबाउट में जाएंगे ना, देखें आपको इस जगह पे कैटेगरी की ऑप्शन नजर आ रही है। इस जगह पे कैटेगरी में ना, आपने अपना गेमिंग वीडियो क्रिएटर पे आपने जो है उसको कैटेगरी पे चूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला काम आपने गेमिंग का कर लिया। उसके बाद दूसरा काम जो है ना, मैं आपको बता देता हूं आपने क्या करना है। आपने डिलीट करना है ऐसा कॉन्टेंट जिस पर कॉपीराइट का इश्यू आया हो आपको। मतलब कोई भी ऐसी पेज पे आपकी वीडियो जो आपको लग रहा हो कि यार इसकी वजह से मुझे जो है वो कॉपीराइट इशू आया, उसको आपने अपने पेज से डिलीट कर देना है। इन केस अगर आपका जेन्युइन कंटेंट है, क्योंकि अक्सर जेन्युइन कंटेंट वालों को भी LOC आ जाती है, अगर आपको लगता है कि यार ये आपका जेन्युइन कंटेंट है, फिर आप उस पे जो है ना वो अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है आपका कॉपीराइट कोई भी कंटेंट है, तो उसको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखें दो काम आपके सामने हो गए। अब तीसरा काम जो है ना, वो आपने अपने पेज की कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पेज सेटिंग्स, ठीक है, उसके बाद जो है ना हम OBS पे आएंगे। OBS, क्योंकि हमने, आपको पता है OBS क्या होती है, OBS के थ्रू हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। पेज की और OBS की आपने जो है ना सेटिंग जो करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको OBS के बारे में नहीं पता, तो मैं ऊपर आई बटन में बता दूंगा कि OBS क्या चीज है। उसमें मैंने मुकम्मल OBS के बारे में आपको डिटेल्स बताई हुई है। इसके अलावा OBS का जो लिंक है, आपने कहां से डाउनलोड करना है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहां से अपने पेज पे चलता हूं, और इसके जो मेन होम है, अपना मेन होम, मैं अपने होम पे चला जाता हूं। ठीक है दोस्तों, इस जगह पे देखें, ये आपको ऑप्शन नजर आ रही है लाइव वीडियो, तो आपने ये लाइव वीडियो पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहां से हम नीचे चलते हैं। देखें, ये पहली वाली ऑप्शन जो है आपकी गो लाइव, इसको आप यहां से सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, जो तरीका आपको बता रहा हूं ना, इंशाल्लाह 100% जो है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी इससे LOC रिमूव हो जाएगी। बस वीडियो में आपने मेरे साथ बने रहना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लाइव सेशन की जो है वो आ गई है, डिस्प्ले सामने आ गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ बड़ी जरूरी चीजें हैं जो आपने करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा लाजमी। अगर आप वो नहीं ना करेंगे तो आपका LOC नहीं जाएगी, इसीलिए आपने बड़े गौर से हर चीज देखनी है। इस जगह पे ना दोस्तों, हमने गेमिंग को लाइव करना है,
और ये वाहिद तरीका ऐसा है कि जिसके जरिए जो है ना आपकी 100% LOC चली जाती है। अगर इसके अलावा दुनिया का कोई भी बंदा कोई भी बात करे ना, तो आपने उसकी बात नहीं सुननी, क्योंकि सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जो है ना आपको LOC जल्द से जल्द रिमूव करने का, वो यही है कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है किसी भी गेम की। तो आप लोगों को ना मैं एक वेबसाइट बताता हूं, आपने उस वेबसाइट से जो है ना वो गेम को लाइव प्ले करना है। हमने दोस्तों उस वेबसाइट का नाम जो है ना वो Twitch TV है, ठीक है। यहां से मैं लिख देता हूं इसको, ये देखें दोस्तों लिख दिया इस जगह पे मैंने Twitch.tv, ठीक है। इस जगह पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं Twitch TV, ठीक है। इसको मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं और ये हमारे सामने पहली ही वेबसाइट आ जाएगी। इस जगह से हमने जो है वो गेम को प्ले करना है। इस जगह पे ना दोस्तों आपको दुनिया की जितनी भी गेम जो इस जगह पे लाइव हो रही होती है ना, वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। अच्छा दोस्तों, हम ना GTA को लाइव करने लगे हैं, ठीक है। ऊपर मैंने सिलेक्ट कर लिया GTA, तो आपने ना इस जगह पे कोशिश करनी है आपने उस गेम प्लेयर को उठाना है कि जिसके ना व्यूज इस टाइम कम से कम हो, ठीक है। दोस्तों मैंने वो GTA 5 की इस जगह पे जो है ना वो लाइव स्ट्रीमिंग मैंने ऑन कर ली है। आपने जस्ट क्या करना है कि इसका जो लिंक है इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी और अपने चलते हैं OBS में। यहाँ से जो है मैं इसको अपना OBS को ऑन कर लेता हूँ। जिधर दोस्तों मैं अपने OBS पे आ गया हूँ, देखें इस जगह पे ये सोर्सेज में प्लस की ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आपने ब्राउजर पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको आप ओके कर दें और इस जगह पे जो आपने URL वहां से कॉपी किया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। Ctrl V मैंने किया, यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया। इन दो जो टिक्स हैं इनको आप ओके करके यहाँ से इसको ओके कर दें, तो वो जो आपकी स्क्रीन है वो आपको इस जगह पे शो हो जाएगी जो आपने वेबसाइट से लिंक उठाया था। क्या करना है कि अपने फेसबुक पेज की जो सेटिंग, तो इस जगह पे ना दोस्तों देखें सबसे पहले आपने अपना टाइटल देना होता है, कोई गेम का आपने इस जगह पे टाइटल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी अच्छा सा टाइटल दे दें, माय गेमिंग स्किल्स यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। और इस जगह पे आप जाके इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। आपका आपका इसमें टाइटल भी ऐड हो गया और डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो गई, इसको आप सेव कर लें। अब एक जरूरी चीज जो आपने इस जगह पे करनी है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी LOC रिमूव नहीं होगी। क्या करना है आपने, जो आपको इस जगह पे गेमिंग की ऑप्शन नजर आ रही है ना, आपने गेमिंग पे क्लिक करना है और इस जगह पे आप जो गेम खेल रहे होंगे ना उस गेम को आपने टैग करना है, ठीक है। इस जगह पे देखें टैग का गेम आ रहा है, तो यहां से मैं लिख देता हूँ GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, ठीक है। ये वाली GTA 5 जो है हमने प्ले करनी है, हमने इस गेम को जो है वो टैग कर दिया। तो ये देखें आपकी इस जगह पे टैगिंग के अंदर ये गेम आ गई है। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि अपनी ये स्ट्रीमिंग की जो है आपने यहाँ से उठानी है, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस जगह पे जो आपकी स्ट्रीमिंग की होती है इसको आपने कॉपी करके अपने OBS में जाके पेस्ट कर देना, ताकि दोनों का आपस में लिंक बैठ जाए, ठीक है। तो मैं अपने OBS में चलता हूं और OBS में देखें दोस्तों इस जगह पे आपको सेटिंग्स की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद देखें ये दूसरे नंबर पे आपको स्ट्रीम की ऑप्शन नजर आ रही है, इस जगह पे जो आपने वहां से स्ट्रीम की कॉपी की थी Ctrl C से, यहां पर मैं Ctrl V करके उसको पेस्ट करके इस जगह से देखें अप्लाई कर देता हूं और ओके कर देता हूं। अब क्या होगा कि हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग हमारे पेज के ऊपर जो है वो आ गई होगी। देखें दोस्तों इस जगह पे कनेक्टिंग लाइव वीडियो होने लग गई। अच्छा दोस्तों, साउंड का ना थोड़ा सा इशू बन रहा था, इसीलिए मैंने ये OBS की जो पीछे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी उसको मैंने फिलहाल पॉज कर दिया है, ठीक है। आपने इस जगह पे स्क्रीन में स्ट्रीम को आपने ओपन कर देना, आपका ये जो सोर्स ऑफ वीडियो है ये भी ओके हो जाएगा, डिटेल्स भी हमने डाल दी है, गेम को टैग भी कर दी, और आपने जस्ट बाद में यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करना है। दोस्तों गो लाइव पे क्लिक करने के बाद ना आपके पेज के ऊपर जो स्ट्रीमिंग है वो ऑन हो जाएगी। आपने जो है ना इसको डेली 3 से 4 घंटे प्ले करना है, मिनिमम 3 घंटे आपने डेली पेज पे इसको लाइव करना है। उससे क्या होगा कि 3 दिन बाद इंशाल्लाह आपकी LOC जो है वो रिमूव हो जाएगी। दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये 100% वर्किंग करेगा, इसके जरिए बेशुमार पेजेस की मैंने भी LOC रिमूव की है, कोई तीसरी चौथी बात पे जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो लाइव स्ट्रीमिंग लाइव गेमिंग के जरिए जो है आप LOC को 100% रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन आपका रिजल्ट जो है इसमें 100% होगा। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपका अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे आप अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।